उदाने खान और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने का क्या तरीका है, ऐसा कौन सा जादू है जो क्लाइंट पर किया जाए तो वो हमें ट्रस्ट करेगा, हमारी बात को समझेगा, हमें लॉन्ग रन में हमारे साथ भी चलेगा और हमारे लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते रहेंगे। क्योंकि अक्सर होता है हमें क्लाइंट तो मिल जाता है, हम उसका काम भी कर देते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट, वो रिलेशनशिप, वो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं डेवलप हो पाता, हमें वो बस पैसे देके चला जाता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन चूंकि हम फ्रीलांसर्स हैं या हम ऑनलाइन वर्कर्स हैं और हम घर से काम करते हैं, तो हमें चाहिए होते हैं क्लाइंट्स जो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम हमेशा उनको सर्विस देते रहें। जब उनके पास नीड है, हमारे पास उसका सलूशन है, तो व्हाई नॉट हम उसको ऐसा पैचअप करें कि हमें बार बार क्लाइंट भी ना ढूंढने पड़े, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचना भी ना पड़े और हमारा एक कंसिस्टेंट इनकम फ्लो बनता रहे। तो ऐसे क्या तरीके हैं कि जिनसे क्लाइंट्स का ट्रस्ट विन किया जा सकता है, चाहे आप सोशल मीडिया में हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग में हो, चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आखिर आपके क्लाइंट्स हैं, आपने उनको सर्विस देना है, प्रोडक्ट देना है, आपने उनको ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। सो हम इन चीजों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे चलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों को जरूर टैग करें जो अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में जिनको कोई ट्रबल आ रहा है और जिनको समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म में साथ कैसे। सो ये सारी बातें मैं जो आपके साथ आज इस वीडियो में करने लगी हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप डेवलपर हो, डिजाइनर हो, राइटर हो, वीडियो एडिटर हो, जो भी काम कर रहे हो, क्लाइंट तो हर बंदे का होता ही है और क्लाइंट का ट्रस्ट विन करना बिजनेस के लिए मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है। पिछले 8 साल में मैं 8 साल से काम कर रही हूँ, 20 साल से कर रहा है इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो एक चीज हमने सीखी है वो यही है कि हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग रन होते हैं, हम बार बार नए नए क्लाइंट्स के पीछे नहीं जाते, वही क्लाइंट्स हम उन्हीं क्लाइंट के, कितने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ 5-5 साल 6-6 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हमारा, क्या ऐसा हमारे पास तरीका है जिससे हम क्लाइंट्स को अपने साथ स्टिक करवा लेते हैं और हमें हर दफा नए क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट, नई चीजों के बारे में टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बल्कि अगर आप क्लाइंट्स के साथ अच्छा चले तो आप फ्यूचर में उनको अपना पार्टनर भी बना सकते हैं, आप फ्यूचर में उनके साथ मजीद अपॉर्चुनिटीज कोलैबोरेशंस के थ्रू और बहुत सारी और चीजों के थ्रू आप उनके साथ नेटवर्किंग करके बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने लिए अवेल कर सकते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट्स को राइट वे में डील करें। सो राइट वे क्या होता है, पहली और सबसे जरूरी बात, वक्त की कदर करें, अपने भी वक्त की और उनके भी वक्त की कदर करें। क्योंकि हम सॉरी टू से, लेकिन हम इज्तमाही तौर पे हमारा एक रवैया है कि हम कहते हैं किसी को 7 बजे का टाइम देके 8 बजे जा रहे हैं, 9 बजे का टाइम दिया, 12 बजे पहुंच रहे हैं। सो हमने एक इज्तमाही रवैया अपनाया हुआ है लेट होने का, या हम इसको शायद पता नहीं अच्छी बात समझते हैं कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम किसी को वेट करवा रहे हैं। सो सबसे पहले तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो ये चीज हमें अपनी फिक्स करनी होगी कि जो टाइम दिया है, अगर 4:05 है तो 4:03 पे आप रेडी होने चाहिए ताकि नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप डायरेक्टली ऑनबोर्ड कर सकते हो। सो बहुत ज्यादा लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी भी चाहिए और नहीं भी है तो भी उनको ये आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि दूसरे के वक्त की लाजमी कदर करें, स्पेशली क्लाइंट के वक्त की लाजमी कदर करें। जब वो आपको कॉल करे तो कोशिश करें कि आप कॉल पिक कर लें, अगर नहीं भी कर रहे तो उसे प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड जरूर करें कि अगर आप कॉल नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट लीव देम अ मैसेज कि अभी मैं कहीं पे हूँ, जहां भी हूँ, 5 मिनट्स 10 मिनट्स 30 मिनट्स में आई गेट बैक टू यू, या जो भी आप उसको गेट बैक कर सकते हैं उसको इन्फॉर्म जरूर करें। फिर जब भी क्लाइंट आपको ईमेल करे तो मैंने देखा हम ईमेल को बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ईमेल आ गया है अब अच्छा इसका रिप्लाई करना है, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाऊँ, अच्छा डेवलपर के पास जाऊँ, अच्छा सोचता हूँ करता हूँ, ऐसे ही लेट करते हैं। मुझे तो जब ईमेल आते हैं उसको उसी वक्त रिप्लाई करती हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे करती हूँ, बंदा इतना भी कह सकता है थैंक यू आई गॉट इट आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू, ये भी कह सकता है, लेकिन एक्नॉलेज जरूर करें जूं ही आपको ईमेल रिसीव हो उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें। अगर आपको नहीं भी पता, फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे पूछा हुआ है, सारी डिटेल्स दी हैं, काफी मुश्किल आपको लग रहा है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं, और साथ उसने लिखा है कि यार ये सब करने में कितना टाइम और कितने पैसे लगेंगे मुझे बता दो, तो आप उसको ये नहीं बता रहे, आपको लगता है कि ये काफी ज्यादा डिटेल है, मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता, टीम से डिस्कस करके फिर ही मैं टाइमलाइन और कॉस्ट दूंगा, तो उसको यही बता दें कम अज कम कि आई रिसीव्ड एंड आई रिव्यूड एवरीथिंग, आई विल सिट विद माय टीम, मेक अ प्लान एंड गेट बैक टू यू विद इन एग्जैक्ट टाइमलाइन एंड कॉस्ट। सो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड जरूर करें। फिर जैसे कि मैंने कहा कि जो भी कॉल आपने क्लाइंट के साथ करनी है, कोशिश करें कि आप 2 मिनट्स अर्ली अवेलेबल हो, अगर जूम की मीटिंग है, स्काइप की मीटिंग है, जहां पे भी आप 2 मिनट्स अर्ली जरूर अवेलेबल हो और एक मैसेज वहां पर छोड़ दें कि आई एम रेडी, आई एम अवेलेबल फॉर द मीटिंग,
और जो आपने कॉल का टाइम डिसाइड किया है, ये बहुत ज्यादा लोग समटाइम्स इस चीज में भी मार खा जाते हैं कि वो टाइम भी फॉलो करते हैं, क्लाइंट को टाइम देते भी हैं, लेकिन वो क्लाइंट को टू मच टाइम दे देते हैं। हमने कहा था हम 10 मिनट की कॉल करेंगे, आप 1 घंटा क्लाइंट के साथ लगे हुए हैं। फिर इसमें क्लाइंट को लगता है कि यार ये वेला है। सो किसी को टू मच वैल्यू भी नहीं देनी। 10 मिनट डिसाइड किए हैं तो कोशिश करेंगे 10 मिनट में ही रैप अप करें, वरना 12 कर लें, 15 कर लें, लेकिन इससे ऊपर ना जाएं। सो पहले ही डिसाइड करके रखेंगे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, उनके क्या पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर्स हो सकते हैं, और उनको पहले ही प्लान बना के रखें। अगर आपको फिर भी लगे कि यार ये एक लंबी डिस्कशन होनी वाली है, अब उसने कोई बात आउट ऑफ नोवेयर कर दी है, पहले नहीं थी और कॉल में नई बात आ गई है कोई, तो फिर आप उसको इन्फॉर्म करें। डे वन से आप जो आदत बनाएंगे क्लाइंट की वही सेटअप होगी। आप उसे इन्फॉर्म करेंगे यार ये चीज जो है ये पहले डिस्कशन में नहीं थी, लेकिन अब आप चूंकि ब्रिंग अप कर रहे हो तो ये तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे की डिस्कशन इन इटसेल्फ है, तो व्हाई नॉट हम इसको दोबारा स्केड्यूल करें, ठीक है, ताकि उसको भी बताओ कि आप एक प्रोफेशनल हो, अपने टाइम की भी वैल्यू कर रहे हो, उसके टाइम की भी वैल्यू। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लाइंट के जो भी प्रेफरेंसेस होते हैं उनके साथ स्टिक करना बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा लोगों को वो कहेंगे कि मैं सिर्फ स्काइप पे कॉल कर सकता हूँ, मैं जूम पे नहीं आ सकता, मैं व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट व्हाट्सएप कॉल करना चाहता है व्हाट्सएप कर ले, वो ईमेल करना चाहता है आप ईमेल कर ले, वो गूगल मीट करना चाहता है आप गूगल मीट करें। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, आपने क्लाइंट को कहते कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो क्लाइंट को आपने इसी तरह ट्रीट करना है कि ही इज राइट एंड ही इज द वन बेसिकली जिसने आपको प्रोजेक्ट देना है, जिसने आपको पे करना है। तो वो जिस तरह भी आपके साथ काम करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि आप आर्ली काम करें, रोज आर जो है वो लॉग करें, स्क्रीनशॉट्स भेजें, तो आप आर्ली काम करें। अगर वो चाहता है आप असाना के थ्रू, ट्रेलो के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करें, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लें, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आपने तो काम करना है ना। सो वो जो भी क्लाइंट के प्रेफरेंसेस हैं उनके मुताबिक चलें, चाहे वो कम्युनिकेशन में है, चाहे वो एग्जीक्यूशन में है, चाहे वो ऑपरेशन में है, हर लिहाज से क्लाइंट के प्रेफरेंसेस को लाजमी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और के साथ मूव कर जाएगा, उसको क्या पड़ी है कि वो आपके साथ काम करे। अगर वो मजबूरन एक दफा आपके साथ कर भी लेगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट आपको अवॉर्ड कर चुका हुआ है, अब वो आपको कहता है कि असाना के थ्रू सारा काम करना है, आप कहते हो मैं असाना नहीं यूज करता ना मैं कर सकता हूँ, हालांकि ना कुछ मुश्किल नहीं है असाना में, लेकिन हम लोगों को होता है कि हम क्यों नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपने फोन में और इससे काम करें, यू नो। सो ऐसा नहीं करें, आप कहें ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहें मैं नहीं करता, तो वो मजबूरन आपके साथ वो $50 की जॉब वो कर लेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीट करेगा, और उसके बाद जो उसने 1000, 1500, 200, 2500, 4000 का प्रोजेक्ट करवाना है वो किसी और से करवाने चला जाएगा। वो कहेगा यार ये बंदा तुम्हें बात ही नहीं सुनता, मैं इससे काम क्यों करूं। सो क्लाइंट के वर्क स्टाइल के साथ जरूर कंफर्म करें ताकि आप उसके साथ काम कर सकें लॉन्ग रन में। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कमिटमेंट लाजमी फॉलो करें। वो सलमान खान है, बहुत हमारी मशहूर जनाब, उसके जुमला है ना कि एक बार मैं कमिटमेंट कर लूँ तो उन्होंने आपकी भी नहीं सुना। सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अगर कमिटमेंट नहीं कर सकते, आपने क्लाइंट को कहा मैं 2 दिन में आपको डिजाइन दे दूंगा, 2 दिन बाद आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे उसको, या मैसेज कर दिया ओ मेरा बच्चा स्लिप हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया है, ओ मेरे बहुत तेज बारिश हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, लावा फट गया जमीन ना, यू नो ये सारी बातें जो हम अपनी तरफ से क्लाइंट्स को मैसेज कर देते हैं और समझते हैं कि यार हमने उसको टाल दिया, तो उसको भी पता होता है कि कौन टाल रहा है कौन नहीं टाल। अगर असल में भी कयामत आ रही है ना और आपने कमिटमेंट की हुई है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी कमिटमेंट कंप्लीट करो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा सैचुरेशन है, अगर आप अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करोगे तो वो कहीं और चले जाएंगे। सो आप ये भी ना करें कि क्लाइंट के इनपुट के बगैर ही सारा काम करते जाएं। आप उसके साथ स्टेप वाइज चीजें डिसाइड करें कि पहले मैं आपको इनिशियल ड्राफ्ट दूंगा 2 दिन बाद, उसके ऊपर आपका फीडबैक आएगा, फिर 1 दिन आपका फीडबैक इम्प्लीमेंट होगा, फिर आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, सो ताकि उसके एंड में भी चीजें रखें। अगर आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं तो वो भी अपनी कमिटमेंट पूरा कर रहा हो, सही है। सो फिर ये नहीं हो सकता कि हम कहें क्लाइंट रिस्पॉन्ड टाइम पे नहीं कर रहा और हम खुद नहीं कर रहे। सो अगर हम अपनी अपॉइंटमेंट हमने कोई रखी है, लाजमी है कि उनको मीट करें। जो भी कोई फॉलो अप आइटम था कि उसने कहा अच्छा ये सब तुमने कर दिया, अब ये लोगों का कलर जरा चेंज कर दो, तो उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें कि हाँ तुमने ये कहा था, इसके ऊपर काम हो रहा है, 2 घंटे में तुम्हें इसका अपडेट मिल जाएगा। जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे क्लाइंट आपसे पूछे या ना पूछे, आपका फर्ज बनता है कि आपसे कम्युनिकेट करते रहें। चाहे वो कॉल पे आ पा रहा है नहीं आ पा रहा, आप मैसेज तो कर सकते हैं ना कि हमने लोगो बना लिया हुआ है, अब लोगो ये है, हम तुम्हारे फीडबैक का वेट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, उसका नहीं आ रहा फीडबैक, फिर आप अगले दिन से दोबारा मैसेज कर सकते हैं कि हमने होम पेज बनाना है, लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, हम लोगों पे तुम्हारे फीडबैक का वेट कर रहे हैं, ताकि आप उसको बताते रहें कि क्या काम चल रहा है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट्स को नहीं पता, क्लाइंट ने एक वेबसाइट बनवाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसका $1000 लगे, उसने आपको $1000 दे दिया, उसको नहीं पता कि इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी इन्वॉल्व है,
इसमें सिक्योरिटी भी सेटअप होगी, इसमें SSL लगेगा, इसमें योस्ट का प्लगइन भी लग रहा है, इसमें फ्रंट एंड का बंदा भी आ रहा है, बैक एंड का भी आ रहा है, डिजाइनर ने भी काम करना है। सो आपका काम बनता है कि आप जो भी काम उसको करके दे रहे हैं आप उसे साथ साथ अपडेटेड रखें कि आप इस पे ये रिसोर्स काम कर रहा है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है, ये चीज हो रही है, अब इसमें ये इंस्टॉल हो रहा है, अब इसमें ये फीचर पे काम, ताकि क्लाइंट को पता हो कि उसके काम में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कितनी मेहनत और कितनी वैल्यू आप उसको ऑफर कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमेशा क्लाइंट की पेन पॉइंट को लाजमी समझने की कोशिश करें। हर क्लाइंट का कोई ना कोई मसला जरूर होता है, क्लाइंट का क्या, हर बंदे का कोई ना कोई मसला जरूर होता है। सो आपने वो मसला आइडेंटिफाई करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने पहले पाकिस्तानी के साथ काम, मिसाल दे रहे होंगे, इसके ऊपर लड़ाई झगड़ लेना शुरू कर लेना होता है, उसे पहले किसी पाकिस्तानी के साथ दो दफा उसने ऐसा किया कि उसने पाकिस्तानी के साथ काम किया और दोनों दफा उसके साथ फ्रॉड हो गया या चीट हो गया, अब थर्ड टाइम उसको मुश्किल होगी पाकिस्तानी के साथ काम करते। अब आपने इस चीज को पर्सनल नहीं लेना क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है, आपने उसके पेन पॉइंट को समझना है कि यार इसके साथ ये हुआ है, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है, मैंने इसकी इस प्रॉब्लम को समझना है और मैंने इसको एड्रेस करना है, मैं इसको शो प्रूव करूंगा कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे नहीं भी होते। मिसाल दे रही थी यार, सो बिल्कुल उनके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें। अगर उनको फॉर एग्जांपल कस्टम डिजाइन पसंद है, आप उसको कह रहे हैं नहीं 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 आप टेम्पलेट डिजाइन ही लेके जाओ, टेम्पलेट अच्छा है, टेम्पलेट क्विक है, टेम्पलेट आपके बजट में, अगर उसको कस्टम चाहिए आप उसको कस्टम देना। समटाइम्स क्लाइंट्स होते हैं उनको रेड कलर ही पसंद है, अब आपको नहीं अच्छा लग रहा है वेबसाइट में रेड कलर, आप कह रहे नहीं रेड नहीं रेड नहीं, वो कह रहे रेड ही है रेड ही है रेड, तो आप एग्री कर लो उसके साथ, या तो आप उसे एजुकेट करें कि रेड क्यों बुरा लगेगा, उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, या तो फिर आप उसके साथ एग्री करें। सो क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें, उसकी प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का ये प्रॉब्लम, उसने आगे भी तो लोगों के साथ डील करना है ना, उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसके पार्टनर्स हैं, उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनको उसने कुछ प्रिच करना है, उसके लिए उसे कोई डेडलाइन मीट करनी है और उसे अर्जेंट बेसिस पे कुछ काम दिखाना है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस डेडलाइन को मीट करने में, अचीव करने में उसका हेल्प कर रहे हो, ताकि वो कल को इस बात को अंडरस्टैंड करता हो कि यार उस वक्त मैं मसले में था, इसने मुझे हेल्प की थी, कल को मैं इसके साथ ट्रस्ट कर सकता हूँ, मैं इसके साथ मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर एक जो लेवल रखें अपना और क्लाइंट का, एक कम्युनिकेशन साइकोलॉजी होता है, सो मेक श्योर कि ना आप उसमें अपर हैंड पे हैं ना आप उसमें लोअर हैंड पे हैं। ये भी नहीं करना कि आप बहुत डेस्परेट लगे काम के लिए, ये भी नहीं करना कि आप टू मच क्लाइंट पे सर पे सवार हो, ना उसको सर पे सवार होने देना है। एक इवन लेवल आपने अपने और क्लाइंट के दरमियान रखना है, ना वो आप पे कोई फेवर कर रहा है आपको प्रोजेक्ट देके, ना आप उसमें कोई फेवर कर रहे हैं उसका काम करके, ये एक प्रोफेशनल थिंग है, तो उसको सर्विस चाहिए, आप सर्विस उसको दे रहे हैं एंड दैट्स ऑल। सो इसमें आपने मेक श्योर करना है कि क्लाइंट के एंड पे जो काम है वो क्लाइंट करता हो, कि तुमने प्रोजेक्ट का ब्रीफ कंप्लीट करना है, तुमने क्वेश्चनेयर देना है, तुमने एक्सेस देना है, तुमने क्रेडेंशियल्स देने हैं, सो जो चीजें उसके एंड पे हैं मेक श्योर कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है। फिर फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने इससे पहले किए हैं उसमें उनको क्या स्ट्रगल्स थे, क्या हर्डल्स थे, वो डिस्कस करें। आपने इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स उनकी फील्ड से रेलेवेंट किए हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे, आपने उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया, किस तरह आपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए, सो उनके बारे में बात करें और उनसे ये भी पूछें कि उनकी नज़र में, मे बी मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कुछ और होगा, आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कुछ और होगा। सो क्लाइंट से ये भी पूछें कि उनकी नज़र में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्या है, वो क्या चाहते हैं, कि सोशल मीडिया सेटअप हो, वेबसाइट सेटअप हो, आपस में इंटीग्रेटेड हो, तो क्या ये सक्सेस है, क्या वो इसको सक्सेस समझते हैं। सो मेक श्योर कि उनका और आपका सक्सेस का सेम मेरिट है, वैसे तो नहीं होता लेकिन उनके प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ें उनको सक्सेस के फैक्टर्स लगते हैं वो सारी चीज़ें उनसे पूछ के उनके प्रोजेक्ट में आप इंक्लूड करें। फिर उनसे आप ये भी पूछें कि अगर उनके कोई प्रॉब्लम्स इससे पहले थे तो वो क्या थे, पिछले प्रोजेक्ट्स में उनको क्या हर्डल्स आ रहे थे, ताकि आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको फटाफट अंग्रेजी बोलनी आती होगी, सिर्फ तभी आप अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो। अच्छे कम्युनिकेशन से सिर्फ मुराद है कि सिंपल हो आपकी बात, आसानी से समझ आने की हो और अगले बंदे को भी बात करने का मौका मिल रहा हो। ये नहीं, अफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, यानी आप बात कर रहे हो क्लाइंट जवाब दे रहा है, आप बात कर रहे हो क्लाइंट जवाब दे रहा है, क्लाइंट बात कर रहा है आप जवाब दे रहे हो। ऐसे नहीं कि आप अकेले ही बोलते जा रहे हो, अकेले ही बोलते जा रहे हो, इतने लंबे लंबे ऐसे आपने उसको लिख के भेजते हैं और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही लेकिन आप बस उसे बता ही जा रहे हो, ऐसे नहीं करना। उसका इंटरेस्ट भी कायम रखना है, बीच में उससे पूछते भी रहना है कि आपको समझ आ रही है, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, रिपोर्ट्स उसके साथ शेयर करें, मीटिंग के नोट्स लें, कॉन्फ्रेंस के साथ रिपोर्ट्स अटैच करें,
पीपीटीज की फॉर्म में, स्लाइड शोज की फॉर्म में, क्लाइंट को जहां भी समझ नहीं आती वहां आपकी जिम्मेदारी है कि उसको समझाएं, चाहे आप उसके लिए इंफोग्राफिक्स का सहारा लें, चाहे वीडियो कॉल करें, चाहे स्क्रीन शेयर करें, चाहे रिपोर्ट्स लें, चाहे मिनट्स लें, नोट्स लें, जो मर्जी करें, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं होता, कम्युनिकेशन बात करना है, आपका वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर्स, क्या आपने शक्ल बनाई, किस तरह आप बैठे थे, क्या कपड़े आपने पहने थे, आपने ये सारी चीजें भी आपका कम्युनिकेशन है। इसके अलावा आपने उसे क्या एनडीए भेजा, क्या क्वेश्चनेयर भेजा, सो मेक श्योर कि आप अपना कम्युनिकेशन उसके साथ कम्प्लीटली क्लियर रख रहे हैं। और एक कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके ऊपर, ये नहीं कि एक मैसेज व्हाट्सएप पे किया, एक स्काइप पे किया, ट्रेलो पे बात कर ली, सारा अब एंड में पता ही नहीं है कि असल में क्या करना था, व्हाट्सएप का भी कुछ और करना था, स्काइप का। सो एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखें, क्लाइंट से पहले दिन पूछ लें कि आपकी क्या प्रेफरेंस, ईमेल है, कॉल है, स्काइप है, जो भी है, व्हाट्सएप है, जो उसका प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसी को सेंट्रलाइज मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखें, ताकि सारी बात एक ही जगह हो रही हो और मजीद उसमें कोलैबोरेशन आसान हो, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अज्यूम मत करें कि उसको मिल गया होगा, उसने ले लिया होगा, उसने कर लिया होगा, उसने देख लिया होगा। अगर आपने क्लाइंट को कुछ भेजा है चेक करने के लिए, तो उसको नोटिफाई करें कि यार मैंने आपको भेजा कि आपने चेक कर लिया। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो दो दिन बाद दोबारा पूछें, एक दिन बाद दोबारा पूछें। ये नहीं कि बस अज्यूम करते रहेंगे उसको पता ही है पहले से, आप उसे कह रहे हैं, और ये भी अज्यूम नहीं करना कि उसको पता होगा योस्ट क्या होता है, उसको पता होगा बजेटो क्या होता है, उसको पता होगा हाँ जी हम लारावेल में जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, उसको क्या पता एपीआई फेच करेंगे बैकएंड से। उसको समझाना है, अज्यूम नहीं करना कि उसको आता है सब कुछ, अगर उसको आता हो तो वो खुद ना कर लेता। सो बहुत क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन रखें, ट्रांसपेरेंट रखें कम्युनिकेशन। ये बहुत बुरी अप्रोच मुझे लगती है, लोग कहते हैं हमने बड़ी जुगाड़ लगा दी क्लाइंट को, जुगाड़ कुछ भी नहीं होता यार, आप अपने आप को ही लगा रहे होते हैं। धोखा इंसान किसी को नहीं दे रहा होता, धोखा इंसान अपने आप को दे रहा होता है। अगर आपने किसी को लो क्वालिटी काम ज्यादा पैसों में दे दिया और आप समझो कि मैंने बड़ा तीर मारा है, तो आपने कोई तीर नहीं मारा, आपने एक धोखा किया है जो आपने अपनी अपनी जात के साथ किया, कि आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि मैं चीप काम करता हूँ। सो मेक श्योर कि आप किसी के साथ इस किस्म की हरकतें नहीं करें, ट्रांसपेरेंट काम करें, तो क्लाइंट भी आपके साथ चलते हैं। आप इस तरह करें, जुगाड़े भी करें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप हमेशा नहीं कर सकते। एक क्लाइंट को एक ही दफा जुगाड़ लगती है, दो दफा लग जाएगी, सारा साल तो नहीं लगा सकते ना। सो अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हैं, तो वो आपके साथ 10 साल भी काम करने को तैयार होगा। सो इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करें। एंड ये भी एक अच्छी बात है कि अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें। मतलब हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं क्लाइंट के साथ, फिर हम डिलीवर नहीं कर पाते, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। सो हम बड़े बड़े वादे ना करें, हम छोटे छोटे वादे करें और कुछ बड़ा डिलीवर करते हैं। हमने उसे लोगो बनाने का कहा था, हम दोनों बहुत अच्छा लोगो बना देंगे, साथ में हमने उसे एक अच्छा सा फेविकॉन भी दे दिया, सोशल मीडिया की प्रोफाइल के साइज का भी लोगो दे दिया। अब वो खुश है क्योंकि उसे लोगो भी मिल गया, सोशल साइजेस भी मिल गया, फेविकॉन भी मिल गया। नेक्स्ट टाइम वो खुद ही हमारे पास आएगा कि यार इसने तो मुझे एक्स्ट्रा काम करके दिया था। सो कुछ अबव एंड बियॉन्ड द वे जरूर जाए, ताकि उसने जो एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ वो आप उसके साथ कर रहे हो, ताकि वो आपके साथ फ्यूचर में भी मूव करना चाहता हो। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर क्लाइंट्स। और इसी तरह आप क्लाइंट्स को पार्टनर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग रन में, उनके साथ कोलैबोरेशंस भी कर सकते हैं, एजेंसीज भी बना सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से और मेहनत से, नेक नियती से काम करें तो सब आसान होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आज का क्वेश्चन का बटन नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फर्स्ट किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फर्स्ट किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड या इसको ये कर लें आप
इसकी जो है मजीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आप हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फर्ज किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कॉन्टेंट पहुँचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब बल आइकन को 0304 111 5786 done काश.com।